कुछ लोग उन लोगों में से होते हैं जो अपने कारनामों से अपना ही नहीं बल्कि अपने साथ साथ गांव जिले का नाम भी रोशन करते हैं। ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है चमोली के पीयूष पुरोहित ने। मौका था दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड समारोह का। सुनाओ। सर मैं उत्तराखंड से हूँ और चमोली से हो। तो सर मैं अपने जो उत्तराखंड की पुरानी परंपरा होती है उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड समारोह में अलग अलग क्षेत्र से 23 क्रिएटर्स चुने गए और स्वयं देश के प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सम्मानित किया। इन्हीं 23 क्रिएटर्स में चमोली के पीयूष पुरोहित का भी नाम शामिल है। पीयूष को नैनो क्रिएटर अवार्ड्स के लिए सम्मानित किया गया। पीयूष पुरोहित पिछले एक साल से प्रदेश की संस्कृति को अपने कैमरे में कैद करते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। अ बॉय फ्रॉम पहाड़ नाम से पीयूष के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई ऐसे वीडियो हैं जिस पर 6 लाख तक व्यूज आते हैं। पीयूष को प्रदेश की संस्कृति को अपने कैमरे में कैद करने की शौक ही आज उन्हें आम से खास बना दिया है। पीयूष पुरोहित ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में चुने जाने पर खुशी जताई है और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। नाम पीयूष पुरोहित है और आपको किस सेक्टर में अवार्ड मिला है पीयूष जी? मुझे मिला है नैनो क्रिएटर की कैटेगरी में अवार्ड मिला है, जिसमें कि मैं अपने उत्तराखंड की वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, इंस्टाग्राम में डालता हूँ और उसमें मतलब जो हमारा कल्चर प्रोग्राम होते हैं और हमारे जो भी फंक्शन वगैरह होते हैं उत्तराखंड के जो भी रिलेटेड होते हैं, तो उससे हम उसको मैं अपने वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। उसमें अलग सी थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड कर देता हूँ। VFX सुना होगा आप लोगों ने, तो वो ऐड करके उसको थोड़ा और क्रिएटिव कर देता हूँ, जिससे कि लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं उस चीज़ में। तो बस यही है। आपको जब इस तरह का अवार्ड मिला? हाँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसा मैं कभी स्टेज में ऐसा गया नहीं हूँ, तो मेरे को बहुत नर्वसनेस भी फील हो रही है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।